बोलिएगा रोल। नमस्कार, इस समय मैं दिनारा विधानसभा सीट पे हूँ। बिहार विधानसभा में सबसे हॉट सीट ये माना जाता है, और हमारे साथ यहाँ से LJP के कैंडिडेट हैं राजेंद्र सिंह। पिछले चुनाव में ये कलर इनका कुछ अलग था, सिंबल अलग था, लेकिन अभी भगवा गमछा है, सिंबल बदल गया। भगवा तो भारत का प्रतीक है और भारतीयता का प्रतीक है। अगर भारत में रहना है, अगर भारतीय हैं तो भगवा है। इस बार क्या उम्मीदें हैं? पिछली बार बहुत माइनर मार्जिन से यू हैव। इस बार मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ कि मुझे ये चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। मैं तो ना मेरा पैसा लग रहा है, ना मुझे कोई व्यवस्था देनी पड़े, सब लोग अपने स्वतः स्फूर्त से। एक घंटा आपके पीछे भागा हूँ तो आप इस बाजार में मिले हैं, आखिर जनता से कनेक्शन क्या राज क्या है? नहीं, यहाँ के दुख सुख में खड़ा रहा हूँ, उनके दुख सुख में मिलता रहता हूँ, और यहाँ की जन समस्याएँ, जैसे धान मूल समस्या है हमारे, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिलती है, और हमारा 1700-1800 रुपये सरकार की रेट है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के किसानों को 1100-1100 में धान बेचना पड़ता है। थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन, LJP और BJP की सरकार 10 तारीख को बन रही है? देखिए, ये तो ये काम क्या होगा, क्योंकि NDA तो है ही, दिल्ली में दूसरा NDA, यहाँ दूसरा NDA, ऐसा तो है नहीं, एक ही NDA है। प्रधानमंत्री जी बार बार रामविलास जी की चर्चा भी कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या बनेगा, जरूर निश्चित बनेगा, और सब तो भविष्य पर निर्भर है। अभी प्रधानमंत्री जी जो आए थे 2 दिन पहले रैली में, रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी, चिराग पे कोई अटैक नहीं किया। अभी मैं घूम रहा था आपके क्षेत्र में, लोग बोले आशीर्वाद तो मिल गया है। नहीं, वो आशीर्वाद तो उनका है ही नहीं होता तो, क्योंकि देखिए देश के अंदर जिस तरह की परिस्थिति बनी है, बिहार के अंदर खास तौर से, एक तरफ जो है 15 साल जिस तरह से लालू राज में आतंकवाद कायम रहा, दूसरे राज में जिस तरह से केवल सुशासन का डोरा ढोला पीटा गया, निश्चित रूप से बिहार पिछड़ गया, बिहारी पिछड़ गया, लात जूता खाया, भ्रष्टाचार पनपा, लोगों के घर बने, मकान बने, और बिहारी पिछड़ता गया। 37 साल RSS के साथ गुजारे, 37 से 40 साल। अभी पार्टी ने आपको LJP से लड़ने के कारण निष्कासित कर दिया, कहीं उसका दुख गुमान तो होगा ही निश्चित रूप से, और स्वाभाविक रूप से निकालना उनकी एक प्रक्रिया है, उससे मुझे कोई दोष नहीं है, ना मुझे किसी के बारे में कुछ कहना है। जीतेंगे तो क्या फिर वापस BJP में जाएंगे या फिर? अभी तो मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, वहाँ के बारे में सोच रहा हूँ। अब BJP और LJP कोई अलग विचारधारा नहीं है, दोनों का एक ही काम है। तो ये थे हमारे साथ दिनारा से राजेंद्र प्रसाद सिंह। BJP की विचारधारा अलग नहीं है। अपने सहयोगी मुनेश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए दिनारा से।